अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हो क्लास सिक्स के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 से जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में 5 बड़े बदलाव किए गए थे। कुछ छोटे छोटे बदलाव थे, कुछ बड़े बड़े बदलाव थे। लगभग आप सभी में से सभी लोगों को छोटे छोटे जितने भी बदलाव किए गए थे वो पता होगा, लेकिन कुछ बड़े बदलाव थे जिनमें एक सिलेबस का बदलाव भी था, वो सब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बड़े बदलाव बहुत लोगों को नहीं पता होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, हर बदलाव के बारे में आपको बता दूंगा, ताकि आप उसके हिसाब से प्रिपेयर होके जाइएगा, ठीक है? क्योंकि सिलेबस पे भी बहुत ज्यादा डिमांड था, इसीलिए इस वीडियो में आपको सिलेबस मिलेगा लास्ट में, क्योंकि 2018 से सिलेबस को भी थोड़ा सा चेंज किया गया था। तो जो भी रिन्यूड सिलेबस है वो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में ही। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में जान जाइए, मेरा नाम अमृत तिवारी, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूं। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बेसिक चेंजेस था, यानी कि जो छोटा छोटा चेंज किया गया था वो क्या क्या था। दो बेसिक चेंजेस थे, दोनों के बारे में पहले आप लोग जान जाइए। पहला जो बेसिक चेंज था वो आप सभी को पता होगा कि टोटल 100 क्वेश्चन होता था 2018 के पहले, ठीक है? उसके बाद से 100 से हट करके 80 क्वेश्चन होने लगा, यानी कि 20 क्वेश्चन को घटा दिया गया, ठीक है? यानी कि पहला बदलाव क्या था कि क्वेश्चन को रिड्यूस किया गया। पहले 100 क्वेश्चन आता था, अब आपके पेपर में केवल 80 क्वेश्चन ही होगा, ठीक है? उसके बाद इसी में एक और बदलाव है कि पहले जब 100 क्वेश्चन आता था उसमें 25 मैथ्स होता था, 25 लिटरेचर होता था और आपका 50 होता था रीजनिंग, यानी कि मेंटल एबिलिटी। उसके बाद 2018 से क्या हो गया कि 20 मैथ कर दिया गया, 20 लिटरेचर कर दिया गया और फिर 40 आपका मेंटल एबिलिटी कर दिया गया, ठीक है? ये तो भाई बिल्कुल बेसिक चेंज था। दूसरा चेंज क्या है, वो भी बेसिक चेंज ही है, वो ये है कि पहले जो आपको आंसर शीट मिलती थी नवोदय विद्यालय का, जब आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो आपको जिसमें आंसर लिखना होगा, पहले आपको उसमें ब्लॉक राइटिंग मिलता था, यानी कि ब्लॉक बना होगा। मान लीजिए अगर आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें तीसरा ऑप्शन सही है, जस्ट सपोज आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तीसरा ऑप्शन सही है, तो आपको दूसरे क्वेश्चन के आगे वाले ब्लॉक में 3 भर देना होता था, बस आपका यही काम था, ठीक है? उसके बाद से क्या किया गया कि उसको OMR शीट में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है? OMR शीट क्या होता है कि गोल 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 होगा, ठीक है? मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक है, आपके सामने 4 सर्कल बने होंगे, ठीक है? अगर ऑप्शन ए सही है तो पहले सर्कल को पूरा डार्क कर दीजिए, बी सही है तो दूसरे को डार्क कीजिए, सी सही है तो तीसरे को और डी सही है तो चौथे को। ये भी बिल्कुल बेसिक चेंज था। क्या था भाई ये चेंज, ये था कि पहले जो आपको आंसर सीट मिलती थी वो सीट इस प्रकार की थी कि आपको पहले नंबर लिखना होता था ब्लॉक में, उसके बाद से क्या कर दिया गया कि आपको OMR सीट दे दिया गया, यानी कि आपको नंबर नहीं लिखना बस डार्क कर देना, ठीक है? ये दोनों था बेसिक चेंज। अब बात करते हैं एडवांस चेंज की। तो देखिए एडवांस चेंज 3 चेंज किया गया था, बेसिक चेंज बेसिकली 2 ही चेंज था, यानी कि जो छोटा छोटा चेंज था वो 2 चेंज किया गया था। लगभग आप सभी को पता होगा जो बड़े बड़े चेंजेस थे वो 3 चेंज किए गए थे। सबसे पहला चेंज ये कह सकते हैं कि लगभग आप लोग में से कुछ लोग को पता होगा और कुछ लोग को नहीं पता होगा। लगभग आप सभी सबको जानता है कि हाँ भाई 100 की जगह 80 क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको एक बात याद रखना है, बहुत लोग ये सोचते हैं हाँ भाई अब 80 क्वेश्चन हो गया है, यानी कि हमको 70, मान लीजिए अगर हम जनरल हैं तो आप बोल सकते हो कि अच्छा 80 क्वेश्चन है, चलो अगर हम 78 स्कोर करेंगे तो मेरा नहीं हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा नहीं होगा। 80 क्वेश्चन होगा बल्कि मार्क्स 100 ही होगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि भाई 80 क्वेश्चन है तो 80 मार्क्स का होगा, नहीं, एक क्वेश्चन एक मार्क्स का नहीं होगा। पहले क्या होता था, 100 क्वेश्चन होता था 100 मार्क्स का होता था, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर। उसके बाद जब चेंज किया गया तो 100 की जगह क्वेश्चन तो 80 कर दिया गया बट मार्क्स 100 ही रखा गया, यानी कि पर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का रखा गया। तो आपको यह चीज बिल्कुल ध्यान देनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि भैया मान लीजिए हम ओबीसी हैं तो क्या हम 80 में से हम 72 सही करेंगे, 73 सही करेंगे तो हमारा हो जाएगा? तो मेरा जवाब है नहीं भाई, आपको कट ऑफ 100 नंबर के मध्य नजर रखना है। कट ऑफ अगर जानना है आपको तो उसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए आपको ये चीज जरूर ध्यान देना है कि एक नंबर का नहीं 1.25 नंबर का हर एक क्वेश्चन आपका अब होने वाला है, ठीक है? तो देखिए जो एडवांस चेंज में जो दूसरा चेंज है बड़ा, वो ये चेंज है कि पहले यानी कि 2018 से पहले 100 क्वेश्चन 100 नंबर और फिर 120 मिनट, यानी कि आपको हर क्वेश्चन के लिए 1.2 मिनट मतलब कि 72 सेकंड्स का मौका आपको मिलता था, ठीक है? बट जब चेंज हुआ हर चीज तो आवर भी 2 ही आवर रखा गया, यानी कि पहले क्या होता था 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 120 मिनट, अब क्या कर दिया गया 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स 120 मिनट, यानी कि पहले 1.2 मिनट
मिनट मिलता था, यानी 72 सेकंड मिलता था हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आपको मिलेगा 1.5 मिनट, मतलब कि 90 सेकंड आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 100 से घट करके 80 कर दिया गया है, इसीलिए अब आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे 1.5 मिनट यानी कि 90 सेकंड मिलेगा, यानी कि अब आपको टाइम अधिक मिला, यानी कि अब ये बहुत अच्छा चेंज था। क्योंकि पहले क्या होता था, 2 ही घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो बच्चे क्या होते थे, टेंशन में रहते थे। भाई मान लीजिए क्लास 6 का बच्चा जो है उसके पास कितना दिमाग होगा भाई, बर्डन पड़ता है, ठीक है ना, जल्दी करना पड़ता है हर क्वेश्चन 1.2 मिनट। यानी कि मान लीजिए आप 1, 2, 3, 4 गिन रहे हैं, 72 तक गिनेंगे, मतलब आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए 72 सेकंड के अंदर। अब उसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि 90 सेकंड में आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1.5 मिनट मिलेगा। तो देखिए, जो तीसरा चेंज है वो सबसे बड़ा चेंज है, ठीक है। तीसरा चेंज के लिए आप लोग बोल भी रहे थे भैया वीडियो बना दो, क्योंकि तीसरा चेंज सिलेबस का चेंज है, सिलेबस ही चेंज कर दिया गया था, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैप्टर्स को रिड्यूस किया गया था, काट दिया गया था। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हो भैया रेशियो प्रोपोर्शन आएगा, एरिया पेरीमीटर आएगा, वॉल्यूम आएगा, भैया क्या क्यूब रूट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, सब डाउट इस वीडियो में क्लियर करूंगा। ऑफिशियली जो सिलेबस लॉन्च किया है नवोदय विद्यालय समिति ने, उसको मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। देखिए, तो अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसको ध्यान से देखिए। हमको बस गूगल में जाना है, गूगल में जाने के बाद बस हमको NVS सर्च कर देना है, ठीक है। जैसे ही हम NVS सर्च करेंगे, उसके बाद हमको नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी, हम इस ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब हम इस ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ हम पहले इसको कट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा 3 डॉट है, 3 डॉट को क्लिक करते हैं और JNVST क्लास 6 एडमिशन जो है इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ, ताकि आप खुद भी डाउनलोड कर सकें, ठीक है, और खुद भी आप देख सकें। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ को मिलेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा पूरा क्लास 6 का खुल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकंड ऑप्शन, क्लिक हेयर टू व्यू प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो जो प्रोस्पेक्टस है उसको व्यू करने के लिए हम लोग को बोला है, तो अब बोला है किस भाषा में आप देखेंगे, असामीस, बंगालीज, ठीक है, इंग्लिश, बोडो, हिंदी, मतलब जो भी आपकी भाषा है, ठीक है, आप उसमें देख सकते हो। तो मैं इंग्लिश कर दे रहा हूँ, क्योंकि भाई मान लो आप लोग में से कुछ लोग जो होंगे आसाम के होंगे, कुछ लोग कहीं के होंगे, तो मैं उस पर इंग्लिश पे क्लिक करके दिखाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश सब कोई समझता है, ठीक है। देखिए, ये हमारा ओपन हो गया नवोदय विद्यालय समिति का प्रोस्पेक्टस, जो कि 2021 के लिए है, ठीक है, यानी कि इस साल के लिए है, ठीक है। इसको चेंज किया गया था, हम सबसे नीचे चलेंगे जब, तो सबसे नीचे हमको नया रिन्यूड सिलेबस बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम नीचे चलते हैं, नीचे आपको मिलेगा, देखिए ये यहाँ पे पूरा बता रहा है, यहाँ भाई मतलब किस स्टेट में किस किस भाषा में पेपर होगा, मतलब हर चीज़ बता रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, ठीक है। तो नीचे जैसे हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, अब देखिए, अब आपको सबसे पहले रीजनिंग का सिलेबस बता दे रहा है, ठीक है। तो आप रीजनिंग के सिलेबस को देखिए, पहला आएगा ऑड मैन आउट, दूसरा है फिगर मैचिंग, ठीक है, तीसरा है पैटर्न कॉम्प्लेशन। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग हिंदी में भरे हो, तो भाई आप हिंदी में अगर भरे हो तो आप नॉर्मली जाओ और हिंदी वाले, मतलब हिंदी वाला भी वहाँ पे ऑप्शन था, हिंदी, बंगाली, असामी, बोडो, मतलब कि नॉर्मली हर भाषा है जिसमें पेपर होता है, ठीक है, उर्दू वगैरह सब है, आप हिंदी वाले पे क्लिक कर लो और उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। देखो, फिर पैटर्न कॉम्प्लेशन, उसके नीचे आएंगे तो फिर फिगर सीरीज कॉम्प्लेशन, ये बिल्कुल रिन्यूड सिलेबस है, ठीक है ना। उसके फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे एनालॉजी, अब ये रीजनिंग का मैं आपको बता रहा हूँ, एनालॉजी है। उसके नीचे आएंगे तो ज्योमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लेशन, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो मिरर इमेज। देखिए, यहाँ पे रीजनिंग में कोई भी आपका परिवर्तन नहीं हुआ है, रीजनिंग में वही सिलेबस है जो हर बार सिलेबस होता है, ठीक है, बिल्कुल सेम सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है हमारा आठवां वाला, पंच इट होल्ड पैटर्न, ठीक है, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, यानी कि नॉर्मली कागज मोड़ो काटो, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। उसके बाद पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला था, ठीक है। उसके बाद स्पेस विजुअलाइजेशन, ठीक है, इसमें स्पेस विजुअलाइजेशन करना है, ठीक है। उसके बाद है अंतिम में एम्बेडेड फिगर, ठीक है, सन्निहित आकृतियां हिंदी में उसको बोलते हैं। अब बात करते हैं, मैंने आपको बोला रीजनिंग में कुछ नहीं कटा है, ठीक है, मेनली मैथमेटिक्स में कटा है, रिन्यूड सिलेबस है, देख लो बाद में, मतलब आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लगातार कमेंट आता है, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि इसीलिए मैं नया वीडियो बना दे रहा हूँ, बिल्कुल, ताकि आप लोग इसमें देखिए और बिल्कुल समझ जाइए, ठीक है। अब देखिए, अब जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, देखिए यहाँ पे मैं आपको पढ़ देता हूँ। पहला चैप्टर है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, नॉर्मली नंबर सिस्टम है, ठीक है, न्यूमेरिक सिस्टम ऐसे ही जोड़ देता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, ठीक है, अरे होल नंबर जो होगा उसे प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद है फ्रैक्शनल नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, यानी कि फ्रैक्शन जैसे 2/3, 3/2, 5/3, ऐसे नंबर का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये बोला है, ठीक है।
उसके बाद हमारा फैक्टर एंड मल्टीपल, यानी कि फैक्टर एंड मल्टीपल गुणांक और गुणनखंड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ भी आएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देन, ठीक है, यानी कि डेसिमल का जो भी प्लस माइनस एडिशन सबट्रैक्शन है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। अब आप लोग बोलोगे भैया ये वाइस वर्सा क्या है, क्या है ये वाइस वर्सा क्या है, तो देखिए वाइस वर्सा कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्शन जो है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और आएगा, ठीक है। ये पूरा चैप्टर है, इन्हीं सब चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे चैप्टर कटे हैं, अभी आप लोग ट्रिक लगाओगे मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन सा कट गया चैप्टर, ठीक है। उसके बाद है हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास कैपेसिटी टाइम मनी, ठीक है, यानी कि मापन एक चैप्टर है वो है अभी, ठीक है, वो कटा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस टाइम स्पीड दूरी चाल समय ये सब भी है, ठीक है। उसके बाद है अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जो होता है ना सन्निकटन मान, अप्रोक्सीमेशन नंबर वो भी है, ठीक है। उसके बाद हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, यानी सिंप्लीफाई करने वाला, ठीक है, बोर्ड मास वगैरह के रूल्स सब लगते हैं सब, ठीक है। उसके बाद हमारा परसेंटेज, परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज क्या है लिखा हुआ है, परसेंटेज एंड इट्स एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि परसेंटेज और परसेंटेज में जो क्वेश्चन आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आते हैं वो, ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कहने का मतलब है साधारण ब्याज। उसके बाद है पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम भी अभी है, ठीक है, क्षेत्रफल, परिमाप और फिर आयतन, ठीक है, ये सब है। अब आप लोग बोलोगे कौन कौन सा चैप्टर कटा है, तो नॉर्मली बहुत सारे चैप्टर कट गए हैं, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यूनिट्री मेथड, आप सभी देख रहे होगे ये सब चैप्टर इसमें से काट दिए गए हैं, और भी आप जब मिलाओगे तो कुछ चैप्टर अभी आपको और मिलेंगे जो कि काट दिए गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं उसके आगे, अगर हम बात करते हैं उसके आगे आता है हमारा लैंग्वेज टेस्ट, यानी कि पैसेज लिटरेचर, ठीक है, आप हिंदी मरोगे तो हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मरोगे इंग्लिश मिलेगा। अब चूंकि लैंग्वेज टेस्ट कुछ होता ही नहीं है, मतलब कि उसका कोई सिलेबस ही नहीं होता है, अब आपको ये थोड़े ना बताया कि यही वाला पैसेज आएगा, बस आपको ये बता दिया गया है हाँ भाई पैसेज आएगा, लिटरेचर में पैसेज आएगा, आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, बस यही हमारा पूरा हमारा सिलेबस का चेंज है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कुछ और चैप्टर डिलीट किए गए हैं मैथ में, आप मिला लेना आपको पता चल जाएगा, नंबर सीरीज, ज्योमेट्री, ग्राफ, एवरेज, इन सबको भी डिलीट कर दिया गया, ठीक है, नंबर सीरीज, ग्राफ, एवरेज, ठीक है, फिर ज्योमेट्री, इन सबको डिलीट किया गया है। उसके बाद यूनिट्री मेथड, रेशियो प्रोपोर्शन, इन सबको भी कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस का चेंजेस। तो गाइज मैंने आपको पूरी की पूरी चेंज बताई, कुछ बेसिक चेंज थे, कुछ एडवांस चेंज थे, ठीक है, हर एक चेंज मैंने आपको बताया, होप करता हूँ आपको सब समझ में भी आया होगा, ठीक है। और इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, डिसलाइक करना हो तो कर दीजिएगा, बट दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं कि भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, आपको नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं भैया नोटिफिकेशन आता नहीं है, आप वीडियो डाल देते हो फिर पता कब हम वीडियो देखते हैं, तो नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। कोई भी वीडियो अगर चाहिए तो फिर हमको कमेंट कीजिए, या फिर अगर आपको पर्सनली हमको वीडियो को रिकमेंड करना है तो आप फिर इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमको वीडियो सजेस्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।